आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज, बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम। देश में सामाजिक कार्य करना जितना अच्छा समझा जाता है, उतना ही निष्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं का जीवन हो जाता है। अपवाद को छोड़ दें तो पर यथार्थ है और कड़वा सच भी। विशेष रूप से अगर किसी महिला ने समाज सेवा और हिंदू धर्म की अमानवीय परंपराओं तथा प्रथाओं से मुक्त होने का अपने भीतर जुनून पाल लिया, तो अपने ही घर परिवार में उसकी खैर नहीं। अपने ही घर की छत के नीचे कभी उसे अजनबी बनाकर रहना पड़ता है, तो कभी वह अपनों के बीच पराई बन जाती है और कभी अनवांटेड। भारत जैसे धर्म भीरू देश में जहां दिनचर्या में व्रत पूजा कांड के साथ अन्य पाखंडों के साथ जीना मरना पड़ता हो, वहां किसी महिला का स्वयं सिद्धा बनकर करना कितना मुश्किल होगा, यह रजनी की कहानी बेस्ट ऑफ करवा चौथ से पता चलता है। वरिष्ठ लेखक और पत्रकार मोहनदास नेमिश राय इसी कहानी के बहाने रेखांकित करते हुए बताते हैं कि अगर पति पत्नी अलग विचारों के हुए तो उनकी गृहस्थी में दरार आए बिना नहीं रहती। वैसे देखा जाए तो यह रजनी की आत्मकथा अपनी जमी अपना आसमां का ही एक हिस्सा है, जिसे रजनी जी ने बेस्ट ऑफ करवा चौथ कहानी में पिरोया है। उनकी यह कहानी दलित साहित्य वार्षिकी 2005 के अंक में प्रकाशित हुई थी। देखें कहानी कैसे आगे बढ़ती है। करवा चौथ स्त्रियों का त्यौहार, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, बिंदी, महावर, लाल गुलाबी लहंगे, साड़ी, नए फैशन की किल्पें, जूड़े चोटी, पाँव से लेकर हथेलियों तक नाभि और गले से नीचे छाती के ऊपरी हिस्से से कोहनी तक रानी की तरह अपनी अपनी हैसियत से बाहर सजी धजी हर स्त्री अपने पति की आयु के लिए व्रत धारण किए हैं। सुबह आज कोर्ट जाना था, पिछले 10 वर्षों से मैं कोर्ट के चक्कर लगा रही हूँ, मेरे प्रेमी, मेरे पति, मेरे स्वामी ने मुझ पर तलाक का मुकदमा डाला था। मेरा दोष था कि मैं उसकी मनमाफिक बाई, पत्नी व संगनी ना बन सकी। उसका एक सपना था कि वह एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता बनकर देश समाज पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे। उस सर्वस्व में उसकी पत्नी को 80% और बेटी 20% का था। स्वयं हम सबको मालिक, जिसे हमारे न्योछावर का संपूर्ण हक था। पति कम्युनिस्ट और पत्नी अम्बेडकरवादी, तो दोनों नौकरीशुदा, एक बच्चा भी, बच्चे के साथ संयुक्त परिवार, जहां प्रथाओं कृतियों के साथ जीना मरना पड़ता है। पति चूंकि यूनियन में भी है तो घर पर भी वही सब बातें होती हैं, बिना गाली के शब्द बाहर नहीं निकलते। महिलाओं की तो ऐसी तैसी अलग, पत्नी को बुरा लगता है। हालांकि प्रेम विवाह हुआ पर पति अपना अक्कड़पन नहीं छोड़ता। यही नहीं, अंबेडकर को मार्क से कम आंकता है। विवाह से पहले खट्टी मीठी यादें उभरती हैं। कहानी की नायिका यानी रजनी पिता के प्रतिबंध के बावजूद खूब सक्रिय थी। आंगनवाड़ी यूनियन में काम के तहत सीलमपुर सलेम में जाकर बच्चों को पढ़ाना, शाम को बीपी हाउस के 17 नंबर में यूनियन कार्यकर्ताओं के साथ सायं को चर्चा करना, अभी क्लर्क की नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला, वह भी बंबई में। ताजी की मर्जी के खिलाफ भी मैं नौकरी करने बंबई गई, पर कुछ माह बाद दिल्ली तबादला हो गया। अन्य साथियों के साथ आनंद से भी मिलना जुलना होता था। आनंद यानी खांटी कम्युनिस्ट अंबेडकर का घोर विरोधी कहानीकार लिखती हैं, मेरी और कामरेड की मुलाकातें जब प्रतिदिन बढ़ने लगी, शाम को मेरे ऑफिस आते या कहीं भी हम मिल लेते। एक दिन चाय पीते पीते उसने पूछा,
हमसे शादी करोगी? मुझे लगा एक कप चाय और पियोगी। मैंने कहा क्यों नहीं, पक्का। मैंने कहा पक्का। एक महीने बाद हम दोनों कार्यकर्ता पति पत्नी में बदल गई। प्रेम भरी दोस्ती एक शासन में बदल गई। सत्ता का हस्तांतरण हुआ। मैं गृहिणी 22 में तब्दील हो गई। वह गृह स्वामी पति व स्थापित हो गया। जीवन के झंझा बातों में फंसती गई। सुबह का नाश्ता खाना, सास ससुर, नंद देवर, उनकी दिनचर्या, उनकी जीवन शैली और सोच जरूरतें हमसे अलग थीं, किंतु उनके लिए मुझे ही खटकना था। उनकी देखभाल मेरी ही जिम्मेदारी थी। फिर परिवार की राजनीति का एक उत्तम पहलू मैं सीखने की कोशिश कर रही थी। उस पर पति असहयोग करते, उनके लिए अब मैं ही चैलेंज हो गई थी। पत्नी को क्या मालूम था कि पति धीरे धीरे मालिक बनता जा रहा था। वह अपनी विचारधारा को कोसता था। देवर कहता, भाभी किताबें छुपा दो, उठाकर रख दो। भैया कट्टर कम्युनिस्ट हैं। गोया कम्युनिस्ट होना सिर्फ और सिर्फ जनवादी किताबें पढ़ना और अंबेडकर को ना पढ़ने देना, नौकरी के बाद शाम का खाना, छुट्टी के दिन पूरा घर धोना पोंछना, सबके कपड़े धोना, यही मेरा समाज कार्य हो गया था। शादी की पहली करवा चौथ आई। देवरानी ने कहा, जिसकी शादी मुझसे 10 दिन बाद हुई थी, धूम धड़ाके से व्रत रखा था, मुझसे भी उम्मीद की गई, मगर व्रत ना रखकर अपने पति का मान का हनन किया। मैंने वह व्रत ना रखकर महसूस किया कि मैंने भ्रम पाला कि अभी भी क्रांतिकारी विचारों को अपने अंदर मरने नहीं दिया। आस पड़ोस सबने शादी की पहली करवा चौथ न मनाने की लानतें बार बार दी। यही कहा कि इससे पति का प्रेम बढ़ता है, पत्नी पर विश्वास बनता है। पत्नी के विश्वास और प्रेम का दुनिया में कोई महत्व हो ना हो, मात्र व्रत रखकर चांद पति का मुखड़ा देखना ही जन्म जन्मों का प्रेम है। रजनी का ऐसे उज्जड़ से विवाह करना सचमुच हादसा बन गया था। पत्नी जितना समर्पित, पत्नी की तरह तरह जीने की कोशिश करती, पति उतना ही हावी होता। वे लिखती हैं, 8 मार्च को रैली में लिबरेशन की नेता विनोद मिश्रा की पत्नी कुमुदनी ने मांग भरी हुई थी, तब भी आनंद ने मुझे कोहनी मार कर दिखाया व जताया था। उस दिन रात को हम दोनों में नारी स्वतंत्रता, सिंदूर और अस्मिताओं को लेकर काफ़ी बहसा बहसी हुई थी। इसका कहना था, लोगों के बीच काम करने वाली औरतों को ऐसी परंपराएं निभानी चाहिए। मेरा सवाल रोल मॉडल को लेकर था कि क्या हम पारिवारिक रूप में ही जाकर समाज में काम करें, अपने दो रूप धरें, अपने बुद्धिजीवी सर्किल में एक, समाज में दूसरा। रजनी लिखती हैं, कम्युनिस्ट पति का चरित्र और उसका व्यवहार आम आदमी से अलग नहीं था, हर तरह से दमनकारी था, किसी भी तरह से समान नहीं था, बल्कि वे विद्वान हैं जो शब्दों व उतरती के तीरों से दर्शन की आड़ में ज़्यादा अस्मिता को छेद सकते हैं। पुरातन पंथी पति कहेगा, तुम मेरी हो, मेरे सिवाय किसी की कल्पना न करो, क्योंकि बिल्कुल ठीक, क्योंकि यही उसका दर्शन व समझ है। उसकी समझ की सीमाएं हैं, परंतु प्रगतिशील साथी कहेगा कि मैं विद्वान हूँ, तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, खोखले में एक सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, मेरे प्रति और उसके प्रति एक निष्ठ होना तुम्हारे लिए आवश्यक है, वरना हमारी पटरी अलग है। रात को दिन, दिन को रात कहते कहते मैं थक गई, टूट कर बिखर गई। कहाँ गुम हो जाता है ऐसे समय में महिला मुक्ति का नारा, जिसके भीतर बाहर आंदोलन था, उसी की ऐसी हालत। कमाऊ पत्नी होते हुए भी घर में दासी,
ऐसे ही खाक हो जाते हैं सपने। कहानी में शुरू से अंत तक यातना के चित्र उभरते हैं। पति पत्नी के बीच स्त्री मुक्ति, दलित मुक्ति या मानव मुक्ति पर विमर्श नहीं होता, इसलिए कि पुरुष में अहंकार होता है। वह और भी उभरता उफनता है जब उसे लगता है कि पत्नी उसके समक्ष आ रही है। कहानी का अंत होते होते सचमुच पाठक सिहर जाता है जब वह इस सेपरेशन की बात पढ़ता है। उस दिन पहले कोई फिर अपने ऑफिस, एक सवा घंटे बाद जब मैं घर पहुंची तो मैं भूल सी चुकी थी कि मैंने आज सेपरेशन पर रजामंदी दी थी। 8 बजे जब मैं अपनी बेटी के साथ खाना खाने बैठी तो मैंने दिन की बात याद करते हुए उसे बताया कि आज मैंने तलाक पर अपनी सहमति दे दी है। सुनकर बेटी को दुख हुआ, लगभग वह रोने लगी। मुझे देखकर वह हैरान भी थी। मम्मी आप खाना कैसे खा सकती हैं? मैं संशय थी। 11 साल बाद उस भ्रम जाल की डोर को काट कर मुझे न सुख था और न दुख, बावजूद इसके कि रजनी ने दलितों में ही अंतर जातीय विवाह करने की हिम्मत की थी। आनंद वाल्मीकि था, उसके भीतर द्वेष था, न सिर्फ अंबेडकर से बल्कि प्रगति करती जाटव जाति से भी। धन्यवाद। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।